नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने जा रहे हैं MLA के सैलरी के विषय में कि किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर विभिन्न राज्यों में विभिन्न MLA जो हैं उनके कितने सैलरीज हैं। और जैसा कि आप दिल्ली में सुना होगा आप लोगों ने कि CM अरविंद केजरीवाल जो हैं वहाँ पर जो सैलरी मिलती है MLAs को, विधायकों को 12,000 रुपये मात्र मिलता है और उसी 12,000 को 136% तक की बढ़ाने की बात की गई है। और जैसे ही 136% बढ़ाया जाएगा दोस्तों, उसी तरी वहीं से 90,000 रुपये एक विधायक की सैलरी हो जाएगी दिल्ली में, जो भी विधायक सिटिंग विधायक है उसका। दोस्तों मुझे दिक्कत इस बात की नहीं है कि वहाँ उन लोगों का पैसा बढ़ रहा है या पूरे बिहार में पूरे बाकी सभी स्टेट्स में MLAs के पैसे बढ़े, MPs के पैसे बढ़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत तब होती है जब आप हमारे जो भारत माता के वीर सपूत हैं उनके पैसों में कटेल किया जाता है और या उनके पेंशन्स को रोका जाता है, तब ये जो है स्थितियां बाहर हो जाती हैं और लगता है कि फिर ये जो हो रहा है वो नाइंसाफी है भारत माँ के वीर सपूतों के साथ, जो नहीं होना चाहिए। दोस्तों हम ये भी बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से ज्यों ही MP MLA जो भी हैं उनका पैसे बढ़ा दिए जाते हैं, ये क्यों बढ़ाए जाते हैं, ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके, खुल करके काम कर सके, ट्रांसपेरेंसी आ सके। वो कोई भी काम अगर हो रहा है तो उसमें कमीशन ना मांग करके सीधा तौर पर उनको महीना मिलेगा जिससे कि वो अपना कोई खर्चा कर सकेंगे। जैसे कि कोई भी है MLA है अभी, जैसे उसका इतना इंक्रीज हो जाएगा है सैलरीज, तो कहीं ना कहीं वो पैसों की घोटालेबाजी से बचना चाहेगा और उसको लगेगा कि हाँ मुझे इतना पैसा मिल रहा है तो मैं घोटाला क्यों करूंगा। लेकिन ये मानसिकता से होता है दोस्तों घोटाला, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी हर एक 10 साल पर एक बार बढ़ाई जाती है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 7th पे कमीशन जो है लागू की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, और वहाँ पे एक ग्रुप टी के भी कर्मचारी की जो तनख्वाह है वो 30,000 के करीब करीब हो गई है, और IAS IPS जितने भी बड़े बड़े ग्रुप ए के जो हैं उनके पैसों में भारी वृद्धि आई है और होनी भी चाहिए, चूँकि ये सारे लोग इतने डेडिकेबल तरीके से काम कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी का पैसा बढ़ना चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया, और सभी लोग उस बात को लेकर के बहुत अच्छी तरह से अब तनख्वाह भी मिल रहा है उन लोगों को। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों कि MP के सैलरी में जो हमारे भारत में है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है दोस्तों। तेलंगाना में कुछ और है, महाराष्ट्र में कुछ और है, झारखंड में कुछ और है, कर्नाटका में कुछ और, मेघालय में कुछ है, तो आखिर स्टेट टू स्टेट वेरी होने का परिणाम है दोस्तों कि जो भी MLAs हैं, सिटिंग MLAs होते हैं, वो उनका जो भी पैसा का निर्धारण होता है वो उनके कंस्टिट्यूएंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी एक कंस्टिट्यूएंसी में कितने लोग हैं। तो जैसे कि बड़े बड़े स्टेट्स में जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ 2-2 लाख एक जनसंख्या पर एक विधायक रहता है, इसलिए उनका जो पैसों का है वो वैरी कर जाता है। दोस्तों हम ये भी बात करने जा रहे हैं कि ये सैलरी कैसे अपना बढ़ा लेते हैं, जो भी MP MLA हैं ये अपना सैलरी कैसे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों एक कमीशन अपॉइंट करते हैं, कमीशन अपॉइंट करने के बाद वो जो है कमीशन बताती है कि हाँ विधायकों का पैसा बढ़ाना चाहिए और सांसदों का पैसा बढ़ाना चाहिए, उसके बाद उसको उस राज्य की MLA जो भी जितने भी MLAs हैं उसमें हामी भर देते हैं और वो जो कानून जो है पास हो जाता है अपने विधानसभा से, और इसके बाद इनकी सैलरी आराम से बढ़ जाती है और हर एक 5 साल पे ये जो सैलरी है इनकी बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के जो CM हैं उनकी जो अभी जो तनख्वाह मिल रहा है उसका क्या है, मंथली बेसिक अभी मिल रहा है, अभी जो मिल रहा है वो 12,000 है, बढ़कर वो 30,000 हो जाएगा। कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस है दोस्तों वो अभी मिल रहा है 18,000, लेकिन बढ़ के 25,000 हो जाएगा। कैनावेंस अलाउंस है वो 6,000 है, 10,000 हो जाएगा। टेलीफोन अलाउंस 10,000 रुपये बढ़ जाएगा। सेक्रेटरीट अलाउंस 15,000 रुपये, यानी टोटली एक विधायक की तनख्वाह जो है 90,000 रुपये हो जाएगी, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। अब दोस्तों सब 5 बेस्ट स्टेट्स टू बी एन MLA भारत के, वह 5 राज्य जहां MLA के तनख्वाह बहुत ज़्यादा हैं और प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो अपेक्षाकृत जो है बहुत कम है। जैसे कि अगर आप तेलंगाना का देखेंगे तो 2,75,000 रुपये है एक MLA को वहां मिलता है, महाराष्ट्र को देखेंगे तो 2,30,000 रुपये है, याद होगा आपको एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, इन लोगों को 2,30,000 रुपये। ये तो मैं अभी आपको महीना सैलरी बता रहा हूँ, उसके बाद की बात बताऊँगा कि आगे इनको कौन कौन सी व्यवस्थाएँ मिलती हैं। महाराष्ट्र में 2,30,000 जैसा कि मैंने आपको बताया, झारखंड में 2 लाख, चूंकि आप जानते होंगे झारखंड जो है संपदा से संपन्न है इसीलिए वहां पे 2,30,000 रुपये है, कर्नाटका 2 लाख रुपये। तो ऐसे करके ये स्टेट्स हैं जो 5 स्टेट हैं यहां पे सबसे ज़्यादा MLA के तनख्वाह है। अच्छा जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया कि इनके कितने प्रकार के अलाउंसेज होते हैं, मंथली अलाउंस, कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, टेलीफोनिक बिल,
टेलीफोनिक अलाउंस, सेक्रेटरियट अलाउंस, बहुत तरीके का अलाउंस होता है दोस्तों। और हम मैं आप सभी को बता रहा हूँ दोस्तों कि बिहार में हमारे जो है जो कर्मचारियों की पैसे हैं वो बहुत कम है, सॉरी बिहार में जो MLA के तनख्वाह हैं वो बहुत कम है, 40,000 रुपये है। इसीलिए बिहार में आप देख रहे होंगे कि किसी भी तरीके का अगर कोई भी परियोजना आता है कि कोई किसी भी तरीके का अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम या किसी भी तरीके का काम हो तो वहाँ पर कमीशन बहुत ज़्यादा चलता है हम लोग के बिहार में। और सुन लेना, जितने भी लोग हैं मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, आपको लगेगा कि कितना बेनिफिट है एक बार MLA बनने के बाद। खासकर जो लड़के पढ़ाई करने वाला मेरा वीडियो देख रहे होंगे उनको ये लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं वकील साहब, तो यही सच्चाई है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि उसके अलावा क्या क्या मिलता है, जो तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह के अलावा क्या क्या मिलता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है पूरे परिवार को 3 लाख रुपए का, देखते जाइएगा दोस्तों। 15,000 रुपये रेलवे कूपन मिलता है दोस्तों, 32 बार फ्लाइट में वो ट्रेवल कर सकता है, जैसा कि ये महाराष्ट्र का है, और भी स्टेट्स का अलग अलग है जैसा कि मैंने आपको बताया। और आपको जान करके ताज्जुब होगा दोस्तों कि 8 बार एंटायर इंडिया का ये लोग जो है भ्रमण कर सकते हैं फ्लाइट से। इसके बाद दोस्तों 25,000 हाउस रेंट मिलेगा और ड्राइवर सहित जो है इनको कार मिलेगी, अगर इन्होंने अपना कार रखा हुआ है तो उस कार का पैसा अलग मिलेगा इनको। 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स रखेंगे ये लोग, यानी कि आप सब मिलाकर जब आप बात सैलरी की, डेली अलाउंसेस भी मिलता है, एंटायर सैलरी जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो एक विधायक को 4-4.5 लाख रुपया या 4 लाख के करीब करीब मिलता है। तो आप ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि जैसा मैंने पूर्व में कहा आपसे कि इन लोगों को कुछ सुरक्षा, इन लोगों को जो वेतन बढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाए, आराम से बढ़ जाए, क्योंकि ये लोग भी संघर्ष कर रहे हैं और इनका काम भी आसान नहीं है दोस्तों। अगर 2 लाख आदमी के बीच में एक आदमी को काम करना है, बड़ा टिपिकल है ये। हम लोग ऐसे अभी लोग बोल देते हैं कि MLA क्या करता है, भाई साहब इतना फोन पे वो बिजी रहता है कि उसको समय नहीं है, और 2 लाख लोगों के बीच का एक MLA है। बाकी नागालैंड और मेघालय वगैरह की तो नहीं कह सकते हैं, चूंकि वहाँ आबादी कम है तो वहाँ MLAs कम है। मैं दोस्तों आपको ये बता रहा हूँ कि गुस्सा तब आता है जब माँ भारती के सपूतों का कटेल किया जाता है पैसा, जब उनके सैलरीज को कटेल किया जाता है, जब उनके पेंशन को रोका जाता है, तब बात की गुस्सा आती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश के अंदर में नेताओं के पैसे बढ़ जाते हैं लेकिन जवानों के पैसे नहीं बढ़ते हैं, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है जो मुझे पर्सनली लगता है। मैं इनके सैलरीज बढ़ने के खिलाफ नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन हाँ इनकी नीतियों के खिलाफ जरूर हूँ, मैं इनकी नीतियों के खिलाफ जरूर हूँ दोस्तों। राज्य में MPs के सैलरीज जो हैं दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा तेलंगाना मैंने आपको बताया 2,75,000 रुपये, बाकी महाराष्ट्र 2,30,000 रुपये, उसमें सबसे मैंने बिहार के विषय में बता दिया आपको कि सबसे कम है। और सबसे कम अगर किसी की सैलरी है तो नागालैंड के MLAs यानी कि विधायक जो होते हैं, जो पूरे राज्य के कंस्टिट्यूएंसी से चुन के आते हैं उनकी। बाकी MPs की बात हम नहीं करेंगे, MPs की बात किसी अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। और अगर आप देखेंगे दोस्तों कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रिच स्टेट है तो वहाँ के लेजिस्लेचर को भी पूरा पैसा मिलेगा, जैसे गोवा है बहुत रिच स्टेट है लेकिन वहाँ पर MLA की तनख्वाह जो है वो 44,000 है। सिक्किम है तो वहाँ 40,000 रुपये ही है, 52,000 रुपया है। और लगभग आप ये समझ लें कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर स्टेट्स ममीर हैं तो MLA के भी पैसे में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं गोवा, सिक्किम, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, ये बारी से बाकी सभी स्टेट्स हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों MP MLA जितने भी हैं उनके सैलरी 5 साल पे आप जैसा कि जानते होंगे रिवाइज कर दी जाती है। और बाहरी देशों के देखेंगे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद से इंग्लैंड हो गया, यहाँ एनुअली MPs के पैसे उनके बढ़ते हैं, हम लोग के 5 साल पे बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ के MP MLA जो हम लोग के यहाँ गए हैं वो 5 साल पे बढ़ाते हैं, लेकिन बाहरी कंट्रीज की आप देखें तुलना करेंगे तो वहाँ एनुअली बढ़ाया जाता है, साल में पैसा बढ़ा दिया जाता है। तो बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट बॉक्स में इसमें राय जरूर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।